माइ निज़बान चीमा आई वेलकम बैक विद वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी और आज के इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी में होने वाले डेवलपमेंट स्पेसिफिकली इन ओवरसीज़ प्राइम वन सेक्टर डी एंड सेक्टर ई इसके इसकेवाले से बताऊंगा एंड पार्शली सेक्टर सी के हवाले से भी लेकिन ओवरऑल ये वीडियो जो है वो सेक्टर डी और सेक्टर ई के हवाले से है अब ओवरसीज़ प्राइम वन की अगर हम बात करें तो इसको एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी लॉन्च किया गया था ट्वेंटी ट्वेंटी के एंड पे लॉन्च करने के बाद सोसाइटी की तरफ से इसका पेमेंट प्लान जो है वो थर्थ थ्री एंड हाफ ईयर्स का दिया गया था और सोसाइटी की तरफ से इसको तकरीबन दो साल के टाइम फ्रेम में इसको मुकम्मी

कर सकते हैं अब इसमें जो ट्रिक की बात है वो ये है कि अगर आप पोजेशन अप्लाई करते हैं तो आपको तीन महीने का टाइम पोजेशन का भी चाहिए जिस तीन महीने के टाइम में ये तमाम चीज़ें जो है मुकम्मल हो जाएंगी जैसे सेक्टर डी देखें तो लास्ट मंथ एंड ऑफ नवंबर 2022 इस पे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी अब मैं वीडियो में आगे जाकर आपको दिखाता हूँ तो मुकम्मल हर स्ट्रीट की आपको प्रॉपर लेआउट प्लान और प्रॉपर कारपेटिंग नज़र आती है स्ट्रीट की सेक्टर एफ की भी आज की डेट में आपको स्ट्रीट की कारपेटिंग नजर नहीं आती इस तरह से जिस तरह होनी चाहिए थी डिवेलप जिस तरह एक लैंडस्केपिंग नज़र आती है लेकिन फिर भी उसका पोजेशन अवेलेबल है सेक्टर जी की मुकम्मल आपको कारपेटिंग मुकम्म डेवलपमेंट नजर आती है स्ट्रीट लाइट्स नजर, नजर आती है स्ट्रीट पोल नजर आते हैं लेकिन सोसाइटी के मकसद यह है कि जिन मेंबर्स ने भी अप्लाई करना है पोजेशन प्लॉट का इन सेक्टर्स में सोसाइटी की जितनी लिटिगेशन जितने, जितने मामलाते हैं हर एक चीज़ लैंड के मामला डेवलपमेंट के मामला और स्पेसिफिकली जो मुश्किल पार्ट डेवलपमेंट का होता है वो होता है अंडरग्राउंड जो काम करने वाला होता है जैसे अंडरग्राउंड सेवरेज जैसे अंडरग्राउंड आप जो प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिसिटी की पोलिंग करते हैं वो वो काम मेन होते हैं तो सोसाइटी की तरफ से वो जो काम है जो मेन काम है वो ऑलरेडी मुकम्मल किए जा चुके हैं तमाम सेक्टर में ए से लेकर एफ तक या एच तक अगर आप बात करें ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक डी ब्लॉक ई ब्लॉक जी ब्लॉक एच ब्लॉक और एफ ब्लॉक इन ब्लॉक्स में ये चीज़ें तमाम अंडरग्राउंड कंप्लीट हैं और इवन जो ओवर हेड वाटर टैंक है उसका स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा होगा आने वाले दिनों में ये भी मुकम्मल हंड्रेड परसेंट जो है मुकम्मल होकर उसकी वो जो पेंट वगैरह होते हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे सेक्टर डी में लेफ्ट साइड पर देखें तो एंड ऑफ नवंबर या अर्ली डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था आज आपको मैं वीडियो में आगे जाकर दिखाता हूँ कि प्रॉपरली यहाँ पे कारपेटिंग हुई है आपको नजर आएगी प्रॉपर्ली स्ट्रीट्स की कारपेटिंग तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सोसाइटी की ये वाली चीज़ के इतने तीन हफ्ते के अंदर अंदर आपने तमाम स्ट्रीट्स की पूरे सेक्टर की कारपेटिंग करना काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट में एक जाहिर सी बात एक चीज़ की निशानदी करती है कि दे आर हे टू स्टे दे मीन बिजनेस मतलब उन्होंने यहाँ पे अगर स्टार्ट किया प्रोजेक्ट तो यहाँ पे वो फिर इन शाला तला तो उसकी स्पीड को उसकी जो क्लाइंट की आप कह लें कि एक चीज़ होती है ना क्लाइंट के एक ऑनस्टली क्लाइंट का रिव्यू होता है कि यार हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट डेफिसिट में कभी नहीं आने देंगे यानी कि उसको ट्रस्ट को हमेशा मेनटेन करेंगे अपनी डिवेल्पमेंट से अभी आपको डेवलपमेंट जो नजर आ रही है बिलीव मी है एक महीने पहले ये हम कुछ भी नहीं था ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कार्पेटिंग नजर आ रही है इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं थी अंडरग्राउंड काम कंप्लीट होने के बाद ये सारे का सारा जो स्ट्रीट्स वाला काम होता है ये दो से तीन हफ्ते काम होता है सब्जेक्ट तो वो जो सोसाइटी है या जो मैनेजमेंट है वो ये काम करना चाहे तो ये एक ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन मार्केट में है क्योंकि इस, पिंडी इस्लामाबाद में देखें तो ना, ना करते हुए इस टाइम तक कोई इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट पच्चीस तीस प्रोजेक्ट तो अवेलेबल है उनमें से कितने लोग हैं जो अपनी फुल पेस से उसको डिलीवर कर रहे हैं तो आपको मुश्किल से जो नजर आएंगे प्रोजेक्ट वो दो या तीन नज़र आएंगे चार नजर आ जाएंगे मैक्सिमम इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे उसकी वजह कि पे पाकिस्तान में ट्रेंड है कि पे इतने ज़्यादा बिजनेस में कि यार बंदा सोसाइटी तो लॉन्च करता है किसी के के पास कनाल जमीन भी तो है सोसाइटी लॉन्च कर देता फिर मार्केट से वो पैसे उठाते हैं सोसाइटीज़ बेच के और उसके बाद फिर वो एंड टाइम पर जब डिलीवरी का वक्त आता है तो भाग जाते हैं तो जिस मेंबर्स के पैसे लगे होते हैं वो बेचारे देखते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है तो ये ओवरऑल इन जनरल पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है जो आपका स्पेसिफिकली इस डोमेन में लॉ है वो थोड़ा वीक ही होता है क्योंकि फाइलों को पहिए लगाने यहाँ पे इस फील्ड के लोगों को बहुत अच्छे आते हैं तो इस लिहाज से यहाँ पे वो ईजिली बच निकलते हैं किसी भी किस तरह के स्कैम से स्कैम करने के बावजूद ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको पाकिस्तान में मिल सकती हैं बट कैपिटल स्मार्टी अगर बात करें कि अलमदुल्ला जितनी उन्होंने बुकिंग अब तक लॉन्च की हैं तो जितनी उन्होंने बुकिंग सेल की है हमेशा सोसाइटी की तरफ से होता है कि जब भी एक सोसाइटी का अपने पैरामीटर चेक करना हो देखिए उन्होंने ओवर सेलिंग तो नहीं की स्मार्ट सिटी किस केस में इतना लकी है माशाल्लाह के मेबर्स इतने ज़्यादा लकी मेंबर्स हैं स्मार्ट सिटी के कि स्मार्ट के, के सिटी केस में डीलर्स हमेशा जाकर सोसाइटी से बस यही कहते रहते हैं सर और इन्वेंट्री चाहिए हमारे पास और डिमांड है हमने चीज़ें बेचनी है और सोसाइटी की तरफ से आपको साफ इंकारी हो जाती है कि इस वक्त हमारे पास इन्वेंट्री मज़ीद नहीं है जब कोई न्यू लैंड प्रिक्योर करेंगे नया पार्ट ऐड करेंगे तो कुछ नई लॉन्चिंग

कि हर एक ब्लॉक का इंटरचेंज से डिस्टेंस जो है वो भी बताया करूँगा जो अल्टरनेटिव रूट्स होंगे वो भी बताया करूँगा कि लट से अभी सोसाइटी की तरफ से अगर आप सोसाइटी में एंटर होते हैं तो इस ब्लॉक तक जाने के आपके पास करंट एक्सेस क्या मौजूद है तो वो भी एक्सप्लेन किया करूँगा ताकि मैंबर्स को इन जनरल आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि यहाँ पर लट से जी अगर आप प्लाट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट पर तो आपको आने वाले दिनों में से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं अब सबसे पहले देखते हैं सेक्टर डी और सेक्टर ए e की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चार साइड जो बनती है वहाँ क्या बनता है उसके बाद फिर बाकी चीज़ें मैं आप एक्सप्लन करता हूँ जो आपका मेन बल्कि पहले लोकेशन का डिस्टेंस मेजर करते हैं कि इंटरचेंज से डिस्टेंस कितना बनता है मैं ज़रा मैप को स्पेसिफिकली जिसका ओवरसीज प्राइम वन का मैप है उसको ज़रा क्लियर कर दूं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके ओके okay. अभी अगर करंट स्टेटस देखें इंटरचेंज का तो यहाँ करंट इंटरचेंज की ओपनिंग है मैं यहाँ पर पाथ ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके करंट रूट के, के मुताबिक जहाँ से आप अभी मैं लास्ट वीडियो में ओवरसीज सेंट्रल का इस पॉइंट को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया था कि इस पॉइंट में आने का रास्ता जो है क्योंकि अभी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है ये वाले से, इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही इस तरह उसी तरह पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट नहीं हो रही तो आप इसी पॉइंट का एक्सरस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटस है लेकिन यानी कि हम डी ओ री ब्लॉक का देखते हैं स्टेटस ये इंटरचेंज है, यह है यह यहाँ से से लट्सअप उतरते हैं तो आपको अल्टरनेटिव जो ऑप्शन मिलते हैं सि प्राइम में जाने के वो यहाँ से आप इस रोड को क्रॉस करते हुए आप इस पॉइंट पे आते हैं इस पॉइंट पे आने के बाद आप सेक्टर ई का जो एंट्री पॉइंट है मैं एक मिस्टेक करके हूँ स्टार्ट से ओके सेक्टर ये बात है ओके अगर आप इस रोड को यूज़ करते हुए आते हैं जिसमें एक्जैक्टिव ब्लॉक लेव्यू कमर्शल के सामने सिर्फ यहाँ पर आते हैं ई ब्लॉक की तरफ तो आपको इस ब्लॉक से आगे ई ब्लॉक तक आते आते तो जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड इंटरचेंज एंटरचेंज दैट इज सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स किलोमीटर ये एक बनता है आपका यानी कि एक रास्ता बनता है इंटरचेंज से यहाँ तक आने का मैं मास्टर प्लान थोड़ा लाइट कर दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके ओके ये आपको रूट मिलता है अगर आपने इंटरचेंज से यहाँ पे एक्सेस लेनी है साइड पे तो आपको ये वाला रास्ता जो यूज़ करना पड़ता है सेक्टर डी और सेक्टर ई के लिए अगर आप मजीद सेक्टर डी के अंदर तक जाना चाहें तो आपको कह लें अप्रॉसीमेट सिक्स पॉइंट सिक्स या सिक्स पॉइंट फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस इंटरचेंज से तय करना पड़ता है ये करंट रूट के मुताबिक यानी इंटरचेंज यहाँ पे है इस जगह से आप यहाँ तक आते हैं ये ओवर रास्ता उतार रहा हूँ जिसको करंटली यूज़ करते हैं आप यहाँ तक आ सकते हैं फ्यूचर में जो रास्ता बनेगा वो एक और शॉर्टकट होगा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ओके okay, इसको मैं क्लियर कर दूँ ये आई होप काफ़ी मेम्बर्स के लिए क्लैरिटी यहाँ पर आगे होगी अगर आपका सेक्टर डी या सेक्टर ई e में प्लॉट है एग्जिस्टिंग प्लॉट है तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक आना तो सिक्स पॉइंट जीरो किलोमीटर पे यहाँ पे आपको डेवलप एंड पोजेशनेबल प्लॉट मिलता है सेक्टर डी और सेक्टर ई e में अब बात करते हैं जी दूसरे रास्ते की जो अल्टरनेटिव रास्ता है जो आप फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे उस रास्ते से डिस्टेंस देखते हैं कट होता है कि नहीं होता अभी इस जगह पे एक ब्रिज बन रहा है टू बी प्रसाइज इस पॉइंट पे एक ब्रिज बन रहा है तो इस ब्रिज के अगर यूज़ करते हैं तो आपको इस पॉइंट तक आते आते 4.59 या कह लें अप्रोक्सीमेट पाँच किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आपको सेक्टर डी ई तक इस्तेमाल करना पड़ता है तो इस रस्ते से गोल्फ कोर्स या एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले रास्ते से आते हैं तकरीबन आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और जब ये फ्यूचर में रास्ता रेडी हो जाएगा जिसका मास्टर प्लान पे रास्ता गिवन है तो जाहिर सी बात है कोई डिस्टेंस काफी हद तक कट होकर कम हो जाएगा तो आपको पाँच किलोमीटर एक तरफ आपको छः किलोमीटर या साढ़े छः किलोमीटर और दूसरी तरफ आपको पाँच किलोमीटर का रास्ता एवरेजली तय करना पड़ेगा अब मैं ट्राई करूँगा जिस भी ब्लॉक या जिस भी सेक्टर की वीडियो हो तो उसका इंटरचेंज पॉइंट्स में डिस्टेंस जो है क्योंकि इंटरचेंज ऑफिशियली ओपन किया जा चुका है स्मार की तरफ से टेंप्रेरी एक्सेस तो जाहिर सी बात है यही टेम्प्रेरी एक्सेस पर इंटरचेंज बनना है तो अभी हमारा तमाम डाउट्स जो हैं मेंबर्स के डीलर्स के मैनेजमेंट के क्लियर हैं कि इंटरचेंज बनना है या नहीं बनना और बनना है तो कहाँ बनना है तो ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर है तो इसलिए को देखें तो यहाँ पे आते हुए आपको एक रूट पे डिस्टेंस मिलता है 6.06 पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स किलोमीटर का या सिक्स पॉइंट जीरो फाइव किलोमीटर का ब्लॉक के एंड पे देखते हैं और लेट से अब ब्लॉक के अंदर तक जाते हैं तो फाइव पॉइंट सिक्स फोर या सिक्स पॉइंट सिक्स एक किलोमीटर गैप आपको मिलता है आल्ट्रेटिव रास्ते से इस साइड से आए उस साइड से आएँ तो यह आपकी ओवरऑल इंटरचेंज लोकेशन बनती है यह तो हो गया ओवरऑल ब्लॉक की लोकेशन की बात की ब्लॉक की मास्टर प्लान भी लोकेशन एंड ओवरऑल लोकेशन क्या बनती है अगर हम बात करें चार साइड्स की इसकी कि चार साइड पर कैलोटेडेडेडेडेड चीजें हैं तो अगर हम बात करें ऊपर वाली साइड यानी नॉर्थ साइड पे तो नॉर्थ साइड पे इसके सेक्टर सी यहाँ पे बारह मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं चालीस बाय अड़सठ के ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है मोस्ट प्रॉबली ये मस्जिद या स्कूल होगा और ये वाले जो कमर्शल नज़र आ रहे हैं ये ये चार मरला के कमर्शियल हैं ओवरसीज प्राइम के अगर हम बात करें इसके ईस्ट साइड पर तो ईस्ट साइड पर इसके दोबारा वही मेन मेगा कमर्शियल जो चक्री रोड फेसिंग होंगे याद रहे चक्री रोड को यहाँ से काफी खुला कर दिया जाएगा और खुला करने के बाद यहाँ जो कमर्शियल बनाए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाई राइज कमर्शियल होंगे तो इन प्लाट्स को जो इस पट्टी में प्लाट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा इस पट्टी से आगे यहाँ तक जितने मेंबर्स हैं अगर मैं ज़रा क्लियर कर सकूँ इधर से लेके इधर तक और इधर से आके यहाँ तक आते रहें यूँ तो ये वाला जो एरिया बनता है अब मैं अगर छोटा सा अगर यहाँ पर बॉक्स भी ड्रा कर दूँ तो उन मेंबर्स को फ़ायदा हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे प्लॉट कोई भी इंडिविजुअल बेचे या कोई भी प्लॉट आपको मिले तो मेरा ख्याल आपको इस एरिया में प्लॉट लाजम बैक करना चाहिए तक मैं आपको ड्रा कर दूँ ताकि फ्यूचर में आपको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके क्योंकि ये वाली लैंड जो ना मैंने तो चूँकि सारा ब्लॉक ओरसीज़ प्राइम लॉन्च जब हुआ था तो मैंने तब से इसकी एलिवेशन देखी हुई है एरिया की कि कितना ज़्यादा एलिवेटेड और कितना अच्छा एरिया बनता था अब इस बॉक्स में आपको कहीं भी प्लॉट मिले ना ओवरसीज़ प्राइम में ठीक है इस ब्लॉक को अपने प्लॉट को ट्राई कीजिएगा मिस मत करें रीज़न इज़ कि इस इस ब्लॉक को क्यों अब इस ब्लॉक में प्लॉट जो है वो सबसे ज़्यादा एलिवेटेड लैंड जिस तरह ब्लॉक एफ की लैंड है कनाल दो कनाल के प्लॉट को लेके चार कनाल के प्लॉट को लेके सात मरला के, के प्लॉट को लेके सबसे ज्यादा एलिवेटेड लैंड जो है वो इस बॉक्स में आती है इसमें कुछ प्लॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें पार्सली डिप्रेशन हो या पार्शली को मसले मसाइल हों लेकिन ओवरऑल इन जनरल देखा जाए तो ये वाला जो बॉक्स बनता है सैंतालीस इशारिया चौबीस एकड़ का या साढ़े सैतालीस एकड़ का जो बॉक्स बनता है अगर मैं कनालों में काउंट करूं तो मल्टीप्लाई वेट कर लें तो ये जो बॉक्स बनता है यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से आपको जितने प्लॉट्स ऑफर किए जाएंगे सारे के सारे प्लॉट बड़ी अच्छी एलिवेशन के साथ हैं फोटी फोर uh, फोर्टी सेवन पॉइंट टू इंटू एट कर लें तो आपके पास नंबर आता है थ्री सेवेंटी सेवन कनाल का तो यहाँ पर आपको जितने प्लॉट्स होंगे आपको उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज जाके मिलता रहेगा चार साइड्स का मैं एक्सप्लेन कर दिया कि नॉर्थ साइड पे आपकी बनता है सी ब्लॉक ईस्ट साइड पे कमर्शियल बनता है वेस्ट साइड पे देखें तो सेक्टर एफ बनता है जहाँ पे कनाल दो कनाल चार कनाल के प्लॉट्स हैं और बैक साइड पे सेक्टर जी बनता है यानी साउथ साइड पे, तो ये ओवरऑल इस ब्लॉक की चार लोकेशन की साइड थी अगेन बैक टूल टाइम फुटेज और इसको तो सेक्टर डी और सेक्टर ई का जितना डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे चार ब्लॉक्स मिलते हैं सेक्टर एफ सेक्टर एच सेक्टर जी एंड सेक्टर ई सो योर्स दिस वजट फ्राम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ भी मालूम चाहिए हूँ तो आप दिए गए नंबर पर रबा कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आप फ्यूचर में भी इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले दिनों अपडेट्स जो हैं, स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्टी लाहौर स्मार्टी और जितने प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में ऑन गोइंग उनके उनकी के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो होंगी साइट की, उसके हवाले से आप वीडियोस देख सकें तो अगली वीडियो तक के लिए रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत खुदा हाफिज